ये दो आदाद हैं जी, तीन, ये दो जो नुक्ते दरमियान में लगाए जाते हैं ये निस्बत के नुक्ते होते हैं। क्या होते हैं? निस्बत के नुक्ते होते हैं। ठीक है, तो अब तीन निस्बत, तीन आपस में क्या है? मुतमासिलैन है। ये क्या है? मुतमासिलैन है। बात समझ आ गई? आगा अख्तर क्यों? इसलिए कि आठ पर दो पर दो पर दो चार ही पहली वालत में जो तकसीम हो गया ये मुतदाखिलेन हो गए। क्या हो गए? बात समझ गई? मुतदाखिलेन हो गए। ये बोलते तवाफुक, जैसे छह और बीस, छह और बीस के दरमियान निस्बतन तवाफुक की है। अब ये हम कैसे मालूम करेंगे? ये तो मुझे पहले से पता है ना। आप कैसे मालूम करोगे? तो आदि आजम के तरीके से मालूम करोगे। तो इसको आदि आजम का तरीका क्या है? बीस लेकर छह पर तकसीम करो, छह तीनी अठारह, क्या बाकी आ गया? दो। अब ये तरीका है, अब छह लेकर दो पर तकसीम करो, तीन दो नहीं छह, ये तकसीम किस पर पूरी हो गई? दो। तकसीम किस पर पूरी हो गई? दो पर पूरी हो गई। हाँ, तकसीम सबको ले गए किलो रोड, तकसीम किस पर पूरी हो गई? दो पर पूरी हो गई। बात समझ गई? अच्छा, तो अब हम कहेंगे कि ये छह और बीस आपस में मुतवाफिकैन है क्योंकि तकसीम पूरी हो गई जी, लेकिन इनका वफ़क तवाफुक आपस में बिन निसफ है, बिन निसफ है। यानी इसका वफ़क इसका निसफ, इसका वफ़क इसका निसफ जी। अपने आधे हिस्से में दूसरे के साथ मुआफ़क़त रखता है जी। तो इसका वफ़क इसका निसफ तीन, ये इसका वफ़क बन गया बीस का वफ़क दस, ये हुआ। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा, मैंने पहले बताया कि अगर तकसीम दो पर पूरी हो गई तो ये दो आदाद आपस में मुतवाफिकैन बिन निसफ कहलाएंगे। क्या यानी क्या मतलब? ये अपने निसफ में दूसरे के साथ मुआफ़क़त रखता है और हर अदद का वफ़क उसका निसफ होगा। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम दोनों तरफ से यही निस्बत बरकरार रखना चाहते हैं और दोनों आदाद को बढ़ाना चाहते हैं और इनके दरमियान जो निस्बत है यही बरकरार रहे, तो हम इसका भी आधा बढ़ाएंगे, इसका भी आधा बढ़ाएंगे, तो ये निस्बत बरकरार रहेगी। जैसे छह हुआ ना, छह तीन और दस के दरमियान जो निस्बत है वही छह और बीस के दरमियान भी है। ठीक है, और छह और बीस के दरमियान जो निस्बत है तो वो बारह और चालीस के दरमियान भी है। ठीक है, बारह और चालीस के दरमियान भी है। इसी तरह चौबीस, जो निस्बत बारह और चालीस के दरमियान है वो चौबीस और अस्सी के दरमियान भी है। ये वो तवाज़ुन है जो हम अगर एक अदद में कुछ इजाफा करें दूसरे में भी इजाफा करें और इनकी वो निस्बत बरकरार रहे, इनकी वो निस्बत बरकरार रहे, तो वो हमने आदि आज़म के जरिए मालूम किया कि इनका जो निसफ निसफ है तो निसफ निसफ जब पढ़ाएंगे तो
इसमें निस्बत बरकरार रही। अब मैं एक और मिसाल दूं आपको, देखो यहां दो और चार, वैसे मैं समझाने के लिए, अब दो और चार के दरमियान ये भी मुतवाफिकेन बिन्निसफ है, क्योंकि दो पर तकसीम पूरा होता है ना, तो इनका निसफ क्या है, एक, और इनका निसफ दो। अब ये बताओ कि जो निस्बत एक और दो के दरमियान है वही निस्बत दो और चार के दरमियान है कि नहीं, है कि नहीं, उसमें भी पूछ रही है, जो निस्बत एक और दो के दरमियान है वही दो और चार के दरमियान है कि नहीं, और यही निस्बत चार और आठ के दरमियान है कि नहीं, और यही निस्बत आठ सोलह, आठ और सोलह के दरमियान है कि नहीं, जी। हम जितना भी बढ़ाएं लेकिन इस निस्बत से बढ़ाएं तो कोई फर्क नहीं होगा, फर्क कोई नहीं। अद्भुत चापड़ों की सप्रातदी औतवे चिददी दा कम देख पुलु की दा निस्बत तेदा दे बरकरार भी नचियों की सुमरा चे बल्कि चे उमग उमरवा चे निस्बत भी खराबी ही करा ना दई चे अवल बदे की निस्बत मालूम की अगर निस्बत पर इतिबार सर चितवाड़ों की ज्याते के निस्बत बहुत बरकरार भी लेकिन उस यो चापड़ी की दो दी बल्कि चार दी औतवे चे जदे की बराबर बराबर अचोल वाड़ नो एक दिदकी वा चोलो एक दकी नो दा तीन शो और दा बल पांच शो दा निस्बत दे निस्बत बराबर दे स्वयं दे वेले स्कूल स्कूल दो लेसन 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 सर लेसन लेसन दो लेसन लेसन ना हम लेसन अच्छा समझ गए तुम लोग, ये समझ गए, ये हम जो निस्बत इनके दरमियान मालूम कर लेना, तो अब अगर हम इनमें कुछ कमी करना चाहें या ज्यादती करना चाहें तो हम कर सकेंगे और वो निस्बत भी इनके दरमियान वही बराबर रहेगी, निस्बत भी बराबर रहेगी। लेकिन जब तास्तो में कहना दल तत्व कसान दी, हाँ, लग जान पूरी कहीं, दल तत्व कसान दी, आउ दल तसलोर कसान दी, न देखी एक निस्बत दो देखा ना, हाँ, उस जब चिदख का निस्बत के पदे की बरकरार भी, आउ दे तसस अफराद वर्कोल गुआड़ा ठीक दा नो चे दई ता यो वर्कुम नो दई ता बदवा वर्कुम सका दई दा दई दुगना दी नो दई चे त्रिशु नो दई ब पक्ष नो बगा निस्बत बरकरार पातशु ब्या दई ता सवर्कुम बदवा हां नो गता बसलो का दई ता यो वर्कुम गता बदवा वर्कुम नो दा निस्बत बदख कसे बरकरार पर खबर वत पूछे नो दख का तरीके सर मुंग चो की मख के बजरबुना का उजरबुना نو یو انسی تا وم زرا ورکو بل انسی تا وم زرا ورکو نو اس مونگا پا کم نسبت سر زرا ورکو نو چی داغا وفق مونگ تا معلومی نو پا آغا نسبت سر وم زرا ورکو ایش نو مونگا آغا نسبت پا برقرار پاتی اس میں پوش ہوئی یہ تو ہو گئی بات اب بس باغو چی سوی لیا غم آوز छे और पंद्रह के दरमियान निस्बत देखो तो हम पंद्रह को छे पर तकसीम करते हैं छे दोनी बारह तीन बार तीन आ गया छह को तीन पर तकसीम करो दो तीन तकसीम तीन पर पूरी हो गई ये मुतवाफिकेन में सुलस हो गए और वो बड़े से बड़ा आदत
जिस पर ये दोनों आदात तकसीम हो सकते हैं वो तीन है, तीन दोनची तीन पंच पंद्रह, वो बड़े से बड़ा आदत, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, तीन तीन है, क्या है, तीन तीन। तो तीन पर पूरे हो गए तो मुतवाफिकेन बिसुलस हो गए, तो अब हर आदत का वफक उसका सुलस होगा। तो छह का सुलस क्या आता है, दो, दो, दो। और पांच पंद्रह का सुलस पांच, पांच तीन पंद्रह, पांच तीन पंद्रह, इनके दरमियान निस्बत आपस में मुतवाफिकेन बिसुलस है, ठीक है, यानी तिहाई हिस्सा में हर आदत दूसरे के साथ मुआफकत रखता है। तो अब अगर हम इनमें कुछ इजाफा करें तो इसी निस्बत से करेंगे। अगर ये अगर हम इसमें क्या करें, दो का इजाफा करेंगे, दो का, तो इसमें किसका करेंगे, किसका करेंगे, पांच का, ये छ है ना, छ, हमने इसमें मसलन तीन का इजाफा किया, ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये डबल हो गया ना।